अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ टर्किश डोनर शॉर्मे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। चिकन मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में हाफ टेबल स्पून नमक का ऐड करेंगे। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं। लेमन हम ऐड करेंगे 2 अदद। अब हम ऑयल डालेंगे 2 टेबल स्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन के 2 ब्रेस्ट ले लिए हैं और उसे मैंने इस तरह स्ट्रिप्स की शक्ल में काट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे और मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए रख दिया था। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने सिरके में डिप की हैं कुछ वेजेस, जिसमें मैंने लिया है चाइनीज़ गाजर, खीरा और हरी मिर्चें। आप चाहें तो और भी वेजेस, शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने मैरिनेशन में पहले ही ऑयल ऐड कर दिया था। अब हम इसे ढक्कन देकर लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि चिकन का पानी भी अच्छी तरह से निकल आए और अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हम सॉस रेडी करेंगे। सॉस के लिए 7 टेबलस्पून दही लेंगे, 4 टेबलस्पून मायो के लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज़ करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सॉस रेडी हो गई है। चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसे स्मोक इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे कोयले का इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से स्मोक देने के लिए हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक्कन देकर रख देंगे। सब कुछ रेडी हो चुका है, अब हम असेंबली करेंगे। सबसे पहले शवारमा ब्रेड को मैंने अच्छी तरह सेक लिया था। अब इसमें सॉस लगाएंगे, चिकन लगाएंगे और वेजेस लगाकर इसे फोल्ड करके पेश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।